हाय फूडीज, वेलकम टू माय डीएनडी ढाबा। आई होप यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्दी इंग्रेडिएंट आपके साथ शेयर करूंगी, जो है मल्टीग्रेन आटा घर पर कैसे तैयार करें। ऐसा तो बाजार में बहुत सारे ग्रेन को मिला के एक मल्टीग्रेन आटा तैयार किया जाता है, ऐसा बड़ी बड़ी कंपनी दावा करती है, बट क्या सच में उसमें सारे ग्रेन को मिलाते हैं? क्या ये आप कॉन्फिडेंटली बता पाएंगी? नहीं ना। तो क्यों हम बाजार से केमिकल वाला मल्टीग्रेन आटा खरीदें और अपनी फैमिली की हेल्थ को खतरे में डालें? इससे अच्छा है कि अपने हाथों से खुद एक फुल न्यूट्रिएंट से भरपूर मल्टीग्रेन आटा तैयार करें। इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको बाजार से 4 से 5 ग्रेन लाना है और उसको मिला के एक हेल्दी मल्टीग्रेन आटा तैयार करना है। साथ ही साथ मैं आपके साथ सारे ग्रेन के बेनिफिट भी शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि अगर आप लार्ज क्वांटिटी में आटा पिसवा के स्टोर करना चाहती हैं तो वो कैसे कर सकती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे बोला जाता है ज्वार, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। इसके बेनिफिट्स देखें तो ये है कि ये वेट लॉस करने में बहुत अच्छे से काम करता है, आपके बोन्स को भी मजबूत करता है। डायबिटीज वालों के लिए ये तो नेचुरल ट्रीटमेंट जैसा है। विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट का ये बहुत अच्छा सोर्स है और इसके रोज कंजप्शन से आपका डाइजेशन भी स्ट्रांग होने लगता है। आपकी आईसाइट को स्ट्रांग करने के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब बात करते हैं बाजरे की, इसे बाजरा बोला जाता है। ये भी मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा। इसके कंजप्शन से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी अच्छे से कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है, डायबिटीज़ होने से बचाता है, डाइजेशन को भी स्ट्रांग करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है और इसके डेली कंजप्शन से आप अच्छे से वेट लॉस कर पाएंगी। अब बात कर लेते हैं सोयाबीन के बेनिफिट्स की। इसमें प्रोटीन, विटामिन B6, B12, कैल्शियम्स, मैग्नीशियम्स एंड पोटेशियम का ये बहुत अच्छा सोर्स है। साथ में आयरन भी आपको इसमें भरपूर मिल जाता है, जो बालों को झड़ने में कंट्रोल करता है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन्हें इसको डेली ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपके बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल सकें। अब बात कर लेते हैं मक्के के बेनिफिट्स की। सबसे पहले तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ये भी वेट लॉस करने में काफ़ी असरदार है, कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाता है, अनीमिया की प्रॉब्लम से दूर रखता है और आपकी सेहत को और चेहरे में झुर्रियाँ और झाइयाँ जैसी प्रॉब्लम को काफ़ी लंबे टाइम तक आने नहीं देता है। इन शॉर्ट कहें तो आपको रिफ्रेश रखने में ये बहुत अच्छा सोर्स है। अब बात कर लेते हैं काले चने की। काले चने से आपको आयरन की कमी नहीं होगी, वेट लॉस में भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, आपके डाइजेशन और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये। इसके रेगुलर कंजप्शन से हार्ट को स्ट्रॉन्ग और एनर्जी को बूस्ट किया जा सकता है। तो जान लिया आपने आज कि जब इन सभी में इतने सारे गुण हैं तो हम क्यों ना इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करके एक हेल्दी और डिशेज फ्री लाइफ जिए और अपनी फैमिली को भी फिट एंड फाइन बना सकें। तो चलिए इसे कैसे पिसवाकर लंबे दिनों तक स्टोर करके आप रख सकती हैं ये वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इन सभी को मिला लें और ड्राई रोस्ट कर लें। यहाँ मैं 10 केजी गेहूँ पिसवा रही हूँ तो मैंने हर एक चीज़ को 250 ग्राम लिया है। ये एक एक्यूरेट मेजरमेंट है मल्टीग्रेन आटा बनवाने का। आप 10 केजी आटे में जितने भी ग्रेन्स डालें वो सब 250 ग्राम्स मीन्स एक एक पाव होने चाहिए। मैंने यहाँ 4 ही चीज़ ऐड की है, सोयाबीन मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, बट इसमें आप सोयाबीन ऐड जरूर करें। कभी कभी एक आध चीज़ नहीं भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट रोस्ट करने के बाद इसे मैंने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। यहाँ मैंने 10 केजी गेहूँ लिया है, अब मैं इसमें सारे ग्रेन को मिक्स करके पिसवा लूँगी। एक हेल्दी मल्टीग्रेन आटा घर में तैयार करने के लिए आप सही मेजरमेंट से सारे ग्रेन इसमें मिक्स कीजिए, आपको रिजल्ट अपने आप कुछ ही महीनों में नज़र आने लगेगा। ये देखिए, इसे ऐसे मिक्स कर लीजिए पूरे अच्छी तरीके से और पिसवा लीजिए। ये देखिए, ये मेरा हेल्दी होममेड मल्टीग्रेन आटा पिसकर रेडी है। इसे आप रोटी, नान, पराठा, पूरी जो चाहे बना सकती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी कड़क हो जाती है इसलिए हम मल्टीग्रेन आटा यूज़ नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। आप सही मेजरमेंट के साथ आटा पिसवाएं और इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार करें, आपकी रोटी, पराठे या कुछ भी कड़क नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। इससे बनी रोटी का वीडियो मैं आपके साथ जल्द शेयर करूंगी। हाँ, एक बात और,
अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और बहुत ही न्यूट्रिएंट से भरी रोटी खाना चाहती हैं तो आटा गूंथते टाइम फ्लैक्सीड पाउडर मिक्स करके बनाएं, आपको पूरी तरीके से फुल न्यूट्रिएंट से भरी रोटी मिलेगी। फ्लैक्सीड का पाउडर कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने पहले ही शेयर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकती हैं। ये देखिए मैंने मल्टीग्रेन का जो आटा है कितना फाइन पिसवाया है, आपको भी ऐसे ही फाइन पिसवाना है। अगर थोड़ा दरदरा पिसवाएंगे तो आपकी रोटी जरूर कड़क हो जाएगी। जो बच्चे खाना खाने में बहुत परेशान करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा सोर्स है कि आप अपने घर में ही न्यूट्रिएंट से भरी रोटी खिलाएं ताकि उनको सारे पोषण मिल सके। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।